हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर रमेश। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, राइट। लास्ट वीडियो मैंने जो यूट्यूब पे डाला है उसके अंदर हम लोग ने देखा था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, फिर उसके बाद हम लोग ने देखा स्कोप, देखा था स्कोप ऑफ सप्लाई जिसके अंदर कॉम्पोजिट, मिक्स सप्लाई ये सब आया था, कौन सी सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन है, कौन सी सप्लाई को हम लोग सप्लाई मानेंगे ही नहीं, शेड्यूल थे, शेड्यूल 1, 2, 3 वो देखे थे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। नाम से लग रहा है, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा कि सप्लाई का मतलब होता है सप्लाई, सेल ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ सर्विस दोनों को मिक्स करके सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं। तो इसमें गुड्स भी आ गया, सर्विस भी आ गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? तो प्लेस नाम से ही पता चल रहा है, हम लोग को एक प्लेस डिसाइड करना है। अब प्लेस डिसाइड करना है तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे दो टाइप का सप्लाई होता है, एक इंटर स्टेट होता है, एक इंट्रा स्टेट होता है। मतलब इंटर स्टेट का मतलब होता है दो स्टेट के बीच में, और इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन ए स्टेट। तो विद इन ए स्टेट रहेगा तो जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है इफ विद इन द स्टेट, और दो स्टेट के बीच में रहेगा तो आईजीएसटी लगता है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इसीलिए डिसाइड किया जाता है कि भाई इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है। अगर इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी एप्लीकेबिलिटी होगी, और अगर इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबिलिटी होगी। तो द प्लेस ऑफ सप्लाई, द डिटरमिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लासीफाई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इन टू इंट्रा, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट विच अल्टीमेटली डिसाइड द जीएसटी लाइबिलिटी। तो मेन पर्पज बिहाइंड प्लेस ऑफ सप्लाई का इज नथिंग बट डिसाइडिंग द प्लेस, और उसके बेसिस पे हम लोग को ये पता चल सकता है कि आने वाले जो ट्रांजेक्शन के बारे में हम लोग देख रहे हैं वो इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है। इंटर है तो आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा, इंट्रा है तो सीजीएसटी एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो इसीलिए प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड किया जाता है। तो अब देखेंगे आगे, तो चार सेक्शन है इसके अंदर, प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 10, अंडर सेक्शन 11, अंडर सेक्शन 12, अंडर सेक्शन 13। तो ये चार सेक्शन हम लोग को पढ़ना है। तो पहला जो दो सेक्शन है, दे आर टॉकिंग अबाउट गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो ये जो दो सेक्शन है ये प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का है, और बाकी दो जो बचा है दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो पहले दो सेक्शन दे आर टॉकिंग अबाउट प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, एंड बाकी दो सेक्शन 12 एंड 13 दे आर टॉकिंग अबाउट प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग, एक एक सेक्शन को देखेंगे। तो सबसे पहला सेक्शन है 10, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सेप्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। मतलब यू हैव टू डिसाइड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स व्हेन यू आर सेलिंग द गुड्स, नॉट सर्विस, ओनली गुड्स, बट हियर वी विल नॉट टेक इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट वो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग वो गुड्स जो इंडिया के अंदर ही हो रहा है, राइट, जो इंडिया के अंदर ही बेचा खरीदा जा रहा है। तो इंडिया में एक ही स्टेट में बेचा खरीदा जा रहा है, दो स्टेट में बेचा खरीदा जा रहा है, वो देखना है। तो सबसे पहला, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सेप्ट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग केसेस। तो कुछ पाँच केसेस है वो हम लोग को ध्यान में रखना है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ 5 केसेस। तो फर्स्ट केस इज वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, वेयर सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो मतलब जब आप ऑर्डर देते हो तो गुड्स मूव करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने कुछ ऑर्डर दिया, समझो मोबाइल फ़ोन का ऑर्डर दिया, तो मोबाइल फ़ोन आपने अमेजोन पे ऑर्डर दिया और वो बेंगलोर से कोई मतलब सप्लायर है उसने वहाँ से पैक किया और वहाँ से गुड्स मूव किया। तो वो जब मूव किया बेंगलोर से और आप बॉम्बे में बैठे हो, बॉम्बे में वो डिलीवर हुआ, तो दैट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स मूव हो रहा है। लेकिन सेम मोबाइल जाके आपने शॉप से ख़रीद लिया तो देर इज़ नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, राइट, आपने वहाँ पे ख़रीदा और वहाँ से ही ले लिया। तो उस सिचुएशन में क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई? तो जब गुड्स मूव करेगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएगा तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। दूसरा, वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू ए रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ ए थर्ड पर्सन। तो समझो एग्जांपल के तौर पे ए है, बी है, बी ने ऑर्डर दिया ए को,
कि भाई मुझे 10 यूनिट चाहिए प्रोडक्ट का, कितना यूनिट चाहिए, 10 यूनिट चाहिए प्रोडक्ट का। तो बी ए ने बोला ओके आई विल डिलीवर आफ्टर 2 डेज। 1 डे के बाद बी को सी का ऑर्डर आता है कि मेरे को 10 यूनिट्स चाहिए सेम प्रोडक्ट का। तो बी बोलता है ए को कि मेरे प्लेस पर डिलीवरी ना देते हुए डायरेक्टली किसके प्लेस पर डिलीवरी दे, सी के। तो जब व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड बाय सप्लायर, तो गुड्स आर डिलीवरिंग बाय द सप्लायर टू ए रिसिपियंट और एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ ए थर्ड पर्सन। तो बी यहाँ पे डायरेक्शन दे रहा है कि मेरे पास डिलीवरी मत दो, किसी और के पास दो। तो उस सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, बी का होगा या सी का होगा, वो हम लोग देखेंगे। थर्ड है वेयर सप्लायर डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। ये मैंने अभी आपको बताया था मोबाइल शॉप का। तो जब मूवमेंट नहीं करेगा गुड्स, तो वो टाइम पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड। कभी कभी गुड्स असेंबल्ड होता है और इंस्टॉल्ड होता है साइट पे, राइट। जैसे बहुत बड़ा मशीन हुआ, तो मशीन पूरा ट्रेवल नहीं कर सकता, पार्ट्स में ट्रेवल होता है, और जाके जहाँ पे भी उसका फैक्ट्री है वहाँ पे वो असेंबल्ड होता है। तो उसमें आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा वो देखेंगे। देन वेयर गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड और कन्वेयंस इंक्लूडिंग ए वेसल एयरक्राफ्ट ट्रेन एंड मोटर व्हीकल। जैसे आप ट्रेवल कर रहे हो, ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो, प्लेन से ट्रेवल कर रहे हो, और उस दौरान आपको कोई गुड्स खरीदना है, तो बहुत जन गुड्स बेचने आते हैं, सर्विस लेना है, सर्विस मिलता है, तो वो टाइम पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो देर आर 5 केसेस, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन्वॉल्व 5 केसेस एक्सेप्ट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो वो 5 केसेस क्या है, वेयर सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, वेयर सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, वेयर गुड्स आर डिलीवर ऑन द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन, वेयर गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट, और वेयर गुड्स आर सप्लाइड ऑन ए बोर्ड और कन्वेयंस। चलती हुई ट्रेन में, चलते हुए प्लेन में आपको कोई गुड्स और सर्विस मिला, तो उस सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो सबसे पहला देखते हैं जहाँ पे इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स है। तो द फर्स्ट वन वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो जब गुड्स मूव करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड्स फॉर डिलीवरी टू द रिसीवर। तो जब मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड होगा, जहाँ पे एंड होगा, तो कहाँ एंड होगा, जहाँ पे आप वो गुड्स को डिलीवर करेंगे। तो आपके पास बेंगलोर से गुड्स आया, बेंगलोर से फिर वो इधर पे कर्नाटक में रुका, कर्नाटक से फिर महाराष्ट्र में आया, महाराष्ट्र के बाद फिर दिल्ली में डिलीवर हुआ। तो जहाँ पे इसका मूवमेंट एंड होता है, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। जैसे मिस्टर आदिल ऑफ मुंबई सोल्ड फर्नीचर टू आशा ऑफ सूरत। तो सूरत में आशा करके कोई बंदी है, उसको फर्नीचर बेचा फॉर डिलीवरी एट सूरत, और डिलीवरी भी आपको कहाँ देनी है, सूरत में देनी है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, सूरत होगा, एकदम सिंपल है। तो जब गुड्स मूव करेगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो जहाँ पे गुड्स स्टॉप हो गया, उसका डिलीवरी हो गया, राइट, एंड हो गई उसकी, वहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड हुआ, तो वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। आया समझ में? तो दिस इज द फर्स्ट केस। सेकेंड केस वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर और रिसिपियंट और एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि ए ने, ए और बी है, बी ने ए को ऑर्डर दिया गुड्स का 10 यूनिट भेजने का, बी को 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद ए डिलीवरी देने वाला है, लेकिन उसी से पहले सी का ऑर्डर मिलता है बी को कि मुझे भी 10 यूनिट चाहिए। तो बी बोलता है मेरी जगह पे ना देते हुए आप डायरेक्टली सी को वो गुड्स डिलीवर कर दो। तो दैट इज़ आवर सेकेंड केस, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू ए रिसिपियंट और एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। तो द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द लोकेशन ऑफ सच थर्ड पर्सन। अब ये क्या है, तो डिलीवरी प्लेस ऑफ सप्लाई बी ही माना जाएगा, नॉट सी। गुड्स डिलीवर बराबर सी के पास हुआ है, लेकिन किसके डायरेक्शन पे हुआ है, बी के, तो बी ही आएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, बी। तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैंने गुड्स ऑर्डर दिया, मैंने गुड्स खरीदा, और मैं बोलता हूँ मेरी जगह पे ना देते हुए दूसरे को दो, तो दूसरे को कब तक पता नहीं चलेगा, वो तो मेरे ही बोलने पे कर रहा है ना डिलीवरी, तो मेरा ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, मेरा जहाँ पे प्लेस है। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई बी का होगा। तो यहाँ पे देखो, सप्लायर ऑफ गुड्स इन महाराष्ट्र, लोकेशन ऑफ द बायर इन केरला। तो सप्लाई गुड्स महाराष्ट्र वाला करने वाला है, और बायर कहाँ पे सिचुएटेड है, केरला में, लेकिन बायर ने बोला डायरेक्ट द सप्लायर टू डिलीवर द गुड्स इन गुजरात।
तो महाराष्ट्र वाले को बोला भाई केरला गुड्स मत भेज, कहाँ भेज, गुजरात, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी केरला, क्योंकि मैं केरला में बैठा हूँ जो डायरेक्शन दे रहा है, जो बायर बोल रहा है उसके हिसाब से ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। आया समझ में? तो ये याद रखना, जब थ्री पार्टीज इन्वॉल्व और हम लोग डिलीवरी कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ द बायर थर्ड पर्सन, तो लोकेशन ऑफ द थर्ड पर्सन वुड बी प्लेस ऑफ सप्लाई। आया समझ में? नेक्स्ट, डायरेक्शन फ्रॉम द बायर शुड बी बिफोर और ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स। हाँ, ये ध्यान रखना है कि आप जब ये डायरेक्शन देते हो बायर, इट शुड बी बिफोर और इट शुड बी ड्यूरिंग द मूवमेंट। जब डिलीवरी हो जाती है और तब बोलते हो तो वो नहीं होगा, इट शुड बी बिफोर और ड्यूरिंग। वेदर और नॉट दिस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स और नॉट, इसका मतलब क्या है? वेदर और नॉट दिस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ टाइटल, टाइटल मतलब ओनरशिप, चाहे ओनरशिप वो गुड्स का जाए या ना जाए, अगर आपने डायरेक्शन दिया है तो जो डायरेक्शन दे रहा है उसका ही प्लेस प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो ये याद रखना है अपने को, ए बी सी, तो बी का प्लेस ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, नॉट सी। ओके, नेक्स्ट, वेयर लोकेशन ऑफ द गुड डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो गुड्स मूव नहीं कर रहा है, आप जा रहे हो खरीद रहे हो, जहाँ गए वहीं से ले लिया गुड्स, तो लोकेशन ऑफ सच गुड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपिएंट। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, आपने मोबाइल खरीदना है, तो मोबाइल खरीदने के लिए आप बहुत जगह घूम रहे हो, राइट, अंधेरी घूमे, फिर आप चर्च गेट घूमे या कहीं और भी घूमे, और जब जाके आपने गुड्स ले लिया, तो जहाँ से आपने वो गुड्स लिया और जहाँ पे वो गुड डिलीवर हुआ एट द टाइम ऑफ सेल, तो वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो लोकेशन ऑफ सच गुड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपियंट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे, मिस्टर प्रतीक ऑफ डेली परचेज फैक्ट्री फ्रॉम मिस्टर साहिल ऑफ नोएडा। ये दिल्ली में बैठा है प्रतीक, और इसने फैक्ट्री परचेज किया किधर से, नोएडा, साहिल, नोएडा किधर है, उत्तर प्रदेश में। अलॉन्ग विथ प्री इंस्टॉल्ड मशीनरी विच वॉज इन दिस केस देर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो वो मशीन के साथ उसने फैक्ट्री पूरा खरीद दिया, तो अब वो फैक्ट्री उधर ही है और मशीनरी वहीं इंस्टॉल है, उसको लेके नहीं जा सकते। तो खरीदने वाला दिल्ली में बैठा है और बेचने वाला नोएडा में बैठा है, तो देयर फॉर प्लेस ऑफ सप्लाई, तो कहाँ पे है वो प्री इंस्टॉल्ड मशीनरी किधर है, नोएडा में ही है, तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई नोएडा यूपी में ही आएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे मूव नहीं कर रहा है, गुड्स मूव नहीं कर रहा है, वो जहाँ पे वहीं है, तो जब आप बेच रहे हो तो वो टाइम पे गुड्स कहाँ अवेलेबल था रिसिपिएंट को, नोएडा में था, तो नोएडा वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। आया समझ में? तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये तो बहुत सिंपल है, गुड्स असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड, तो जहाँ भी असेंबल्ड हुआ, जहाँ भी इंस्टॉल्ड हुआ, राइट, अभी मैं बैठा हूँ मुंबई में और मैंने ऑर्डर दिया सूरत में कि भाई मेरे को एक अपने बिल्डिंग के लिए लिफ्ट बनवानी है, तो लिफ्ट डायरेक्टली सूरत से नहीं आएगी, वो माल लेके आएगा, माल लेके आएगा, और वो बिल्डिंग किधर है, वो बिल्डिंग है केरला में, तो मैंने ऑर्डर दिया मुंबई से बैठ के सूरत में, और सूरत वाले ने केरला में जाके वो मशीन को इंस्टॉल किया, तो जहाँ पे गुड्स असेंबल्ड हो रहा है, जहाँ पे इंस्टॉल्ड हो रहा है, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, वेयर द गुड्स आर एक्चुअली असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड। तो ये याद रखना है, असेंबली और इंस्टॉल आएगा, तो जहाँ असेंबल्ड हुआ, जहाँ इंस्टॉल्ड हुआ, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो, प्रतीक ऑफ दिल्ली परचेज प्लांट फ्रॉम मिस्टर साहिल ऑफ नोएडा, प्रतीक गिव डायरेक्शन टू साहिल टू असेंबल सच प्लांट इन इट्स मुंबई फैक्ट्री, सो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी मुंबई, तो मुंबई में वो असेंबल्ड हो रहा है, तो मुंबई वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। आया समझ में? नेक्स्ट, वेयर गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चलती हुई ट्रेन और चलते हुए प्लेन या कोई मोटर व्हीकल में आप जा रहे हो, और वो टाइम पे आपने क्या किया, कोई गुड्स लिया, राइट, कोई गुड्स आपको मिला, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बहुत जन प्लेन में आ जाते, कुछ चॉकलेट बेचने के लिए ट्रेन में आ जाते, और वो गुड्स आप खरीद लेते हो, तो वो टाइम पे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप जा रहे हो मुंबई टू दिल्ली, तो बीच में गुजरात आता है, तो वो वेंडर ने आपको गुजरात, मतलब ट्रेन चलते चलते आपने उसको बोला कि मुझे ये चॉकलेट खरीदनी है, उसने वो चॉकलेट खरीदा और उस आपने उसको पैसा दिया, और वही टाइम पे गुजरात के बॉर्डर से ट्रेन गुजरी और राजस्थान पहुंच गई 1 सेकंड के अंदर अंदर। तो इस सिचुएशन में जब प्ले मतलब चलती हुई ट्रेन और चलते हुए प्लेन में होता है, तो हम लोग को पता नहीं होता है कौन से मतलब कहाँ पे एग्जैक्टली हम लोग हैं,
तो उस सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो याद रखना है, जब भी किसी बोर्ड और कन्वेंस में आप मतलब सब ये ट्रेवल करते हो, ट्रेन में ट्रेवल करते हो या प्लेन में ट्रेवल करते हो, तो जहाँ से वो गुड्स, अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने कोई गुड्स खरीदा चॉकलेट ट्रेन में, अब वो ट्रेन में जो चॉकलेट बेचने वाला है वो कहाँ से चढ़ा, या वो गुड्स जो आप खरीद रहे हो वो गुड्स वो ट्रेन में कहाँ से चढ़ा, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो जैसे गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड और कन्वेयर इंक्लूडिंग वेसल, लोकेशन वेयर सच गुड्स हैव बीन टेकन ऑन बोर्ड। तो अभी फ्लाइट में आप जा रहे हो, फ्लाइट में समझो एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक कोल्ड ड्रिंक चाहिए, डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक, जो कॉम्प्लीमेंट्री होती है वो नहीं, दूसरी कोल्ड ड्रिंक चाहिए, लाइक रेड बुल ले लो या कुछ भी ले लो। अब वो आपको गुड्स बेच रहा है, ये दिस इज द गुड्स ओनली, राइट? तो वो गुड्स ला के देगा। अब हवा में हो आप, प्लेन में हो, तो आपको थोड़ी पता है कि आप कौन से डायरेक्शन में हो, कौन से स्टेट में हो, आपको पता नहीं है। तो इस सिचुएशन में गुड्स कहाँ से वो लोड हुआ बोर्ड में, मतलब वो प्लेन में कहाँ से आया? तो प्लेन स्टार्ट हुई थी मुंबई टू दिल्ली के लिए, तो मुंबई में वो गुड्स को लोड किया गया था और फिर वो गुड्स को बेचा गया फ्लाइट के अंदर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जहाँ से वो गुड्स को वो प्लेन में डाला, जहाँ से वो गुड्स को ट्रेन में डाला, तो दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई आएगा। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, प्रतीक बोर्ड्स बांद्रा हरिद्वार ट्रेन फ्रॉम बांद्रा मुंबई एंड ही परचेज ए फेमस कॉमिक बुक फ्रॉम ए वेंडर। उसने कॉमिक बुक खरीदा, द वेंडर बोर्डेड द सेम ट्रेन अलॉन्ग विद वेरियस बुक फ्रॉम सूरत। लेकिन वो चढ़ा कहाँ से? मैं चढ़ा था, प्रतीक चढ़ा था बांद्रा से, मुंबई से, लेकिन जिससे मैंने वो कॉमिक बुक खरीदा वो सूरत से चढ़ा था। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जहाँ से वो गुड्स बोर्ड हुआ था ट्रेन में, तो द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी सूरत, गुजरात। आया समझ में? तो दिस इज द सेक्शन 10, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सेप्ट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सेक्शन 11, दैट इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।